आप ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान कैसे ना कैसे करके वो सारे मौके ढूंढ लेता है जिससे भारत को कमज़ोर किया जा सके। तभी वो ऐसे सारे हथकंडे आजमाता है जिससे भारत को चोट पहुंचाई जा सके, और जिसमें हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से किया गया एक ड्रोन हमला भी जीता जागता उदाहरण है। और तब उसी समय ये खबरें भी सामने चल रही थी कि क्या भारत इन ड्रोन हमलों का जवाब समय रहते दे पाएगा या नहीं, क्योंकि अगर इसका जवाब नहीं दिया गया तो ऐसा हमला बड़े स्तर पर भी हो सकता है। जैसे कि आप जानती हैं कि भारत पहले वार नहीं करता है, पर जब भारत अपने पर उतर आता है तो उसका पहला वार ही इतना घातक होता है जिसमें आगे पीछे के सारे हिसाब पूरे हो जाते हैं। ये तो आप जानते हैं कि जब ये ड्रोन हमला हुआ था तब भारत को एंटी ड्रोन सिस्टम अधिग्रहण करने की बात की गई थी। वहीं बात की गंभीरता को देखते हुए DRDO ने एंटी ड्रोन सिस्टम तत्काल प्रभाव से डिप्लॉय भी कर दिया है। वैसे इसका मास प्रोडक्शन तो नहीं किया गया है, पर DRDO इमरजेंसी बेसिस पर अपने प्रोटोटाइप यूनिट को डिप्लॉय भी कर चुका है। अब जिस तरह DRDO ने अपने प्रोटोटाइप यूनिट को भारतीय सेना को सौंप दिया है, जैसे कि जो जम्मू और कश्मीर के खास और चुनिंदा इलाके थे जैसे कि मिलिट्री बेस और एयर बेस थे, वहां इन ड्रोनों को डिप्लॉय भी करवा दिया जा चुका है। और यहां DRDO ने साफ कह दिया है कि अभी उसको किसी भी इम्पोर्टेड एंटी ड्रोन सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि DRDO की तरफ से ये कहा गया है कि उसकी तरफ से बनाया गया ये प्रोटोटाइप यूनिट इतना कारगर है कि किसी भी ड्रोन को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है। और यहाँ पर DRDO की बात सच होती भी दिखाई दे रही है, जहाँ हाल ही के दिनों में फिर से LOC के नजदीक ड्रोन दिखने की घटना सामने आई थी, जहाँ ये ड्रोन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास भटक रहे थे। वहीं इसी बीच एक ड्रोन को मार भी गिराया गया है, और ये ड्रोन अपनी साजिश में इस बार सफल नहीं हो सके, क्योंकि इस बार DRDO के एंटी ड्रोन सिस्टम ने इन ड्रोन को मार गिराया है, और ये स्वदेशी एंटी ड्रोन का पहला शिकार है। देर से ही सही, पर भारत ने अपने इस तरह के सिस्टम को हर उस सेंसिटिव एरिया में तैनात कर दिया है जहां से इस तरह की घटना हो सकती है। कहना पड़ेगा DRDO ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि वो भारतीय सेना के साथ खड़ा है, और वो दुश्मनों को धूल में मिलाने का काम जारी रखेगा।